ऐसा हाथ धरे हर भाई, जय भगवान। आप देख सकते हैं हमें नांगदेव महाराज साक्षात मिल चुके हैं। बोलिए नांगदेव महाराज की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस हम आए हैं भूरा भगत के मेले में। तो यहाँ का मेले, भूरा भगत का पूरा सीन क्रिएट करेंगे, दर्शन करेंगे एंड मेला कैसा लगता है वो पूरा नज़ारा शो कराएंगे। तो बने रहें आप, तो लेके चलते हैं सीधा मेला। ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ से पूरा भूरा भगत का मेला का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, ये भूरा भगत का मेला। देखिए गाइस, देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, जहाँ से मतलब की जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ से भूरा भगत मेला लगता है। और जहाँ से डांडिया, जोरागढ़, नंदीगढ़, महादेव, जहाँ जाना आपको कहीं से जर्नी स्टार्ट होगी। तो हम आए हैं इधर से, देख सकते हैं यहाँ का मेला का नज़ारा। लाखों लोग भक्त लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और मेला का आनंद उठाते हैं। तो आप भी उठाइए, हम भी उठा रहे हैं। तो दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। तो भाई अभी हम खड़े हैं भगवान के पास, तो अंदर चलते हैं और पूजा पाठ करते हैं। चलिए के अंदर हूँ और हमारी चलिए पूजा पाठ। तो चलिए हम दर्शन कराते हैं शिव जी की मूर्ति, यहाँ पर कौन कौन से भगवान स्थल हैं। तो चलिए दर्शन कराते हैं। शिव जी की मूर्ति है एंड हनुमान जी की मूर्ति है और भूरा भगत स्वयं हर साल बड़े होते हैं, भूरा भगत के नाम से विकसित है। तो चलिए गाइस, जहाँ पर हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है, हमने सब कुछ सीन कर लिया है, सब चीज़ कर लिया है, अब कराते हैं हम भूरा भगत के मेले का। तो गाइस हम मेले में शेयर कर रहे हैं, हमें तो कोई चीज़ का शौक नहीं है बट मम्मी पापा के लिए खरीदना पड़ेगा, तो चलते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं इधर थोड़ी दूर घूमने के लिए और आप जो देख रहे होंगे पहाड़ी, चौरागढ़ की पहाड़ी है, यहाँ से उधर जाना पड़ता है, बड़ी भवन पड़ेगी, उसके बाद में नांदिया पड़ेगा और वहाँ से आप डिसाइड कर लो जहाँ जाना आपको वहाँ जा सकते हैं। तो गाइस हम पापा जी के लिए चिलम लेने आए हैं। कितने की दी? 10 की 2 10 की 2 15 की 2। हम इधर से वापस लौटने लगे, आप इधर का शेयर कराते हैं आपको। मम पापा जी के लिए चिलम लिए हैं, पापा जी चिलम पीते ना, हुक्का हुक्का जानते होंगे आप लोग, तो वही चीज़ है। 7 के 2 तो पनी में पेश करके नहीं दे रहे, पनी मनी में दो ना। गाइस हम आ गए हैं दुकान में संजना के लिए खाई लेने वाली है, तो देख रहे हैं वो पसंद कर रही, शर्मा भी रही है, हमको उसको पहनना और हम पसंद करेंगे, वो पसंद करेगी ना भाई, तो देखते हैं।
पहन ले अभी पहन ले। तो गाइस जहाँ पर फाड़ू सीन हुआ है यहाँ पर पापा मम्मी मिल गए सरप्राइज़, क्योंकि वो भी अभी आए हैं मेले में। हम तो कल परसों से आए थे, दो तीन दिन से लगातार यहीं पर हैं। तो ये पापा मम्मी मिल चुके हैं, अभी नारियल खरीदने फिर पूजा पाठ करेंगे। फेर पट्टी है ना, चेन देखना व्हाइट वाला। हेलो गाइस, ये अभी चप्पल ले रहे हैं, इसकी चप्पल टूट गई ना इसलिए ये चप्पल ले रहा। तो गाइस पूरा मेला घूमने के बाद में हवा टाइट हो चुकी है और अब यहाँ के हम थोड़ा सा हम नाश्ता खा रहे हैं, भजिया खा रहे हैं। गाइस हवा टाइट हो गई, सच बताऊँ तो इतना ख़तरनाक मेला लगा ना, घूम घूम के हवा टाइट पूरी पूरी नीचे से ऊपर तक। फाइनली गाइस हम भूरा भगत मेले से आ चुके हैं और ये मेला आपको कैसा लगा, क्योंकि हमारा कल में हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो हमने आगे का शूट नहीं कर पाए। बट इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। ये महाशिवरात्रि एंड भूरा भगत का मेला आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।